नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, जिसके अंदर से क्या है 3 और 4 एमसीक्यू निकल कर आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं। और हर एक एग्जाम के अंदर एक एमसीक्यू आने के 100% चांसेस होते हैं कि सेक्शन नंबर 1 से है जो एक एमसीक्यू आ ही जाता है। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, सेक्शन नंबर 1 है उसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं और नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 1 और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सेक्शन नंबर 1 से। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। जो सेक्शन नंबर हमारा 1 होता है उसके अंदर क्या मिलता है हमें, टाइटल और एक्सटेंड या फिर कमेंसमेंट देखने को मिलती है। यानी इसका टाइटल क्या है, टाइटल क्या है हमारा, द डोरी प्रोविजन एक्ट के नाम से हमें इसे जानते हैं। तो डोरी प्रोविजन एक्ट इसके नाम से तो हम इसे जानते हैं, लेकिन यह कब आया था, 1961। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1961 के अंदर आया था, तो ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है हमारा। उसके बाद कि अब इसकी जो कमेंसमेंट हुई है वह कब हुई थी, या फिर यह बोलते हैं हम कि इसकी जो एसेंट है प्रेसिडेंट के द्वारा कब मिली थी। तो उसके बाद हमारा जो सेकंड है द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 20 जो मई है 1961 को इसकी एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट के द्वारा, जब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा यानी पार्लियामेंट से जो बिल पास हुआ उसके बाद जो हमारी प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 20/5/1961 में। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है कि एसेंट मिलने के बाद क्या उसी दिन से यह एप्लीकेबल हो गया था, या फिर उसके बाद कम इंटू फोर्स में आता कि बाद में अप्लाई हुआ था, और कितने समय बाद अप्लाई हुआ था और कौन सी तारीख को यह अप्लाई हुआ था। तो उसके बाद आता है हमारा जो थर्ड पॉइंट है, कम इंटू फोर्स ऑन 1/7/1961। ठीक है, तो 1 जुलाई 1961 को हमारा जो है डोगरी प्रोविजन एक्ट है वह कम इंटू फोर्स में आया था। ठीक है, तो यह कितनी चीजें होगी, 4 चीजें होगी जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, तो यह चीज आपको देखनी है कि यह पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होता है। फिर है कि जो हमारा डोगरी प्रोविजन एक्ट है वह 1961 के अंदर आया था। फिर हमारा है कि प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी, 20 मई 1961 को हमारी एसेंट मिली थी। उसके बाद कम इनटू फोर्स में कब आया, कम इनटू फोर्स और जो एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है उसके अंदर भी डिफरेंस आपको याद रखना है। जो 20 मई 1961 को एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट की और कम इनटू फोर्स में कब आया था, 1 जुलाई 1961 को। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम जो हमारा फोर्थ है द डोरी प्रोविजन एक्ट 1961। आप सोचेंगे अरे ये क्या लिख दिया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, तो हमें पता चल गया। यह इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह भी एक एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डोगरी प्रोविजन एक्ट है जो हमारा कब आया था, उसके अंदर ऑप्शन दे दिए जाते हैं 1960, 1961, 1962। तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि जो डोगरी प्रोविजन एक्ट है वह 1961 के अंदर आया था, आफ्टर दैट इंडिपेंडेंस ऑफ 12th ईयर, यानी 12 साल के बाद इंडिपेंडेंस होने के बाद, यानी भारत को स्वतंत्र होने के 12 साल के बाद। यह भी एक एमसीक्यू बन जाता है हमारा कि कब आया था जो हमारा डोगरी प्रोविजन एक्ट है। ठीक है, उसके अंदर ईयर दे दिए जाएंगे कि 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 18 साल के बाद, 12 साल के बाद। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 साल के बाद जो हमारा डोगरी प्रोविजन एक्ट बना था। ठीक है, और ऐसा करता हूं कि आपको सभी से भी डेट्स पता चल गई होगी। और जो सेक्शन नंबर 1 है उसके अंदर से हमारे जो 5 क्वेश्चन बने हैं वह आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नोटबुक पर नोट कर लीजिए, ऐसे ही बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, स्टडी करना है, मोटिवेट रहना है। भले ही आज आपकी बात लोगों को बकवास लगे, लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो गए ना, उस दिन आपकी बकवास भी लोगों को सलाह लगने लग जाएगी और वही लोग बोलेंगे अरे यार कितना अच्छा मोटिवेट करता है। तो घबराइए नहीं और तैयारी करते रहिए।
और आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।